अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज हम ब्लॉग करते हैं शुरू वहीं से जहां हमने पिछला छोड़ा था। तो अभी हम जा रहे हैं आगे डाउनटाउन में। ओके। तो उधर बेसिकली सारी चर्चेस हैं और कोई पुरानी शॉप्स हैं उनकी, कोई पुराने ऑफिसेज हैं और भी दो तीन चीज़ें हैं। तो अभी हम उस साइड पे जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से यूँ सीधा। और ये भी कोई सरकारी बिल्डिंग है रेड वाली, इनकी पता नहीं कौन सी है। ये हमारा यहाँ आके पाथ हो गया एंड वो उस साइड पे जा रहा है, वो जो सामने ये बिल्डिंग है ना, ये डाउन टाउन है समझो, आ गई है। और ये देखो कितने मज़े का ये एरिया है, पुरसकून सा, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी नहीं है इधर। वो आ गई, रुको जरा, सबर ये करो। जो सारी बिल्डिंग्स हैं ये सारी तकरीबन पुरानी है, ये भी पुरानी और वो देखो वो सारी पुरानी है जी। हम डाउन टाउन की हदूद में इंटर हो चुके हैं। ये देखो कितना प्यारा पेंट हुआ है जिस दुकान को, वो सामने कुड़ी जा रही है। ये देखो पार्किंग्स, ये खार है, मैं इनकी बना लेता हूँ चुपके से थोड़ी सी। जी हम अभी आ गए हैं इधर, अभी हम रोड क्रॉस करेंगे। कुत्ता है भाई चला जा का भाई। ये देखो बिल्डिंग, ये है रेहान। अभी हमारा इशारा खुल चुका और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। वो खुला ही नहीं है, वैसे ही जा रहे हैं। चल आगे चलो, ये क्रॉस करते हैं उस बिल्डिंग वाली साइड पे जाते हैं। अभी ऐसे बिल्डिंग था है तो बंद होती ही बंद है। और ये डॉग के लिए है, ये डॉग जो आपका वो निकाले शॉपर में डालो और गंदा और शॉपर में डाल कर ले जाओ अपने साथ, गंद नहीं फैलाओ। ये देखो गवर्नर विलियम येट्स, पता नहीं है था कौन, हमें क्या पता। ये बिल्डिंग देखो तुम लोग खुश हो, एंजॉय करो। ये मैं उस दिन मैंने ये पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी। ये पता नहीं कोई, पता नहीं 40 फौजी मरे थे, पता नहीं कितने मरे थे, और उसकी याद में उन लोगों ने इधर इनके झंडे भी होंगे। वो किधर गए हुए, पहली दफा इस साइड पे वो लगे हुए थे बच्चे झंडे लगे हुए थे, लेकिन इस साइड पे नहीं आई थी, वो दूसरी बिल्डिंग थी। ये है बिल्डोंग, ये है रेहान। भाई किसने अपनी दुल्हन के लिए ड्रेस बनवाना है तो रब्ता करें, मैं यहाँ से बनवा कर अपना मुनाफा निकाल कर आपको दे दूंगा, ठीक है। और ये जा रहा है भूम है चर्च। चलो अभी हम जाते हैं चर्च की तरफ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चर्च। ओके। अभी हम वो चर्च के करीब पहुँच आए हैं। ये देखो ये इतनी प्यारी है, देखो इनमें से एक चर्च जो है ना वो मस्जिद में कन्वर्ट करनी है, वो हमें मिल रही है, मतलब हमें तो नहीं जो इधर इस्लामिक कम्युनिटी रहती है ना उन्हें मिल रही है। 7 लाख और कितने हजार, 30 हज़ार, 7,30,000 डॉलर की। तो इनमें से एक है, पता नहीं है कौन सी, दुआ करो चंदा हमारा मुकम्मल हो, हमारी नई मस्जिद बन जाए। हमारे कहते हैं पाकिस्तान कमले होते हैं, गोरे भी कमले होते हैं। इधर लगा हुआ है करंट आपको लगेगा, तो इन्होंने इतनी ऊपर अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं ना। मोरल ऑफ द स्टोरी, सारे ही कमले हो। हाँ जी फरहान बोलो जी, क्या बोल तो कैसा लगा डाउन टाउन तुम्हें? अच्छा है। कैसे अच्छा है? माहौल अच्छा है, मट्टी कम है। अच्छा कैसे वाला अच्छा? भाई तुम तो एक मतलब के खेती बाड़ी वाले बंदे हो, तुम्हें मट्टी क्यों बुरी लगती है? बस तबीयत खराब हो जाती है। फ्लावर्स एंड बियर्स हैं इसके अंदर सारे, ये लोग लेते हैं अपनी उनके लिए, अपनी मशूकियों के लिए। ये देखो वाइप चेक करो, इनके झंडे नीचे आना शुरू हो रहे हैं। अभी तक तो मैं निकला ही नहीं तलवार लेकर, वरना क्या होता। ये एरिया बेसिकली इसके अंदर सारा चुप चुप और कुछ है ही नहीं, इसके अंदर सारा हराम है। देखो अभी अलमानो है, ओ सॉरी आलमो है, वो है चॉकलेट फैक्ट्री, उस उधर जाएंगे हम, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा है हाथ, लेकिन ये रोड बड़ा ख़राब है, इधर हम ऑन करेंगे तब जाएंगे। देखो कितनी स्पीड से आ रही है, खुल जा सिम सिम, खुल जा जी। हमारा इशारा खुल चुका है और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। इधर वो इनका वो निशान भी, ऐसे क्या बोलते हैं क्रॉस, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, फ्रांस फ्रांस नहीं। ये साइकिल है रेहान के लिए, देखो इतनी इसकी चौड़ी सीट है ना,
यार बैठना नो गॉड प्लीज नो नो। ये देखो वाइट कलर का एक है ये चर्च, अब इसके अंदर तो जा नहीं सकते, डोर बंद, वरना आपको अंदर से भी दिखाते हैं, क्योंकि आज संडे था इनका, वो इनकी प्रेयर हो गई होगी वैसे भी। और एक ये है, अब ये जो सा है ये है बैप्टिस्ट चर्च, फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च, पता नहीं कौन सा फर्स्ट था, लेकिन ये जब एक घंटा होता है जब इसकी बेल बजती है ना, अभी भी देखो आई थिंक 5 मिनट रह गए हैं उसकी क्लॉक में, 5 मिनट, फिर जब ये इसकी घंटी बजेगी ना बहुत लाउड होती है, हमारे घर तक आवाज़ आती है। अभी कितने मज़े का चर्च है इधर, बस इन्होंने अपने चर्च इधर हर दो दो तीन तीन फुट गए ना उसके अंदर चर्च ही बने हुए हैं, देखो कितना प्यारा है। और ये देखो मतलब कि एरिया बहुत अच्छा है, बंदे ने फोटो शूट करवाना हो ना या बंदे के पास अच्छा खासा कोई हो जो तस्वीरें खींच सकते हो तो इधर की तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। इधर रिहान मेरी ट्राई कर रहा था, रिहान लेकिन जैसे खींची नहीं जाती और किसी को खींचनी नहीं आती तो इसलिए भाई ट्राई किया मैंने लेकिन कोई भी नहीं बनी। ये देखो हम उस एरिया से लेफ्ट होते 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 इस एरिया में आ गए हैं, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, देखो सारे घर हैं रंग बिरंगे। ये देखो तो अभी जाते हैं आगे, मैं कोई फूड आउटलेट ढूंढा, मुझे भूख लग गई है, खाते हैं उधर से कुछ कोई हलाल मिले तो, वरना कोई लेज लेते हैं पेप्सी वगैरह लेते हैं और चलते हैं घर। तो अभी मिलता हूँ मैं आगे कोई फूड आउटलेट ढूंढ कर। ये बाबा देखो ऐसे पता नहीं कबूतरों का ज़्यादा ही शौक था, इस स्टैचू पे इन्होंने ये लगाए हुए हैं, उसके बच्चा है साथ उसका कोई अब्बा है और उसकी अम्मा है, आओ साथ छोटी बच्ची भी है। और ये पीछे है ये पार्क और ये है बिल्डिंग्स। हमें और तो कुछ नहीं मिला खाने के लिए तो हमने ले लिया लेज, और वो भी हमने ये हमने लिए स्पेनिश स्टोर से, ये स्टोर है इधर ज़्यादातर चीज़ें सारी जो ये मेक्सिको में या मैक्सिकन लाइक इस नॉर्थ अमेरिकन वाले रीजन में खाते थे ना सारी वही पड़ी थी, हमारे काम के ये थे और ये इन्होंने इतने महंगे में दिए हैं, हमने ये तीन ये लिए हैं और ये हमें मिले हैं 12-13 डॉलर के मिले हैं। और बस अभी हम जा रहे थे घर की तरफ तो बीच में आ गई ट्रेन मालगाड़ी, ये इतनी लंबी होती है ना तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट इधर हम करेंगे वेट और जब ख़त्म होगी तब हम ये करेंगे क्रॉस। अच्छा अभी मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।